मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने कलेक्ट्रेट में सदर तहसील के 8 करोड़ की लागत से अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण व 1.25 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं सांसद था तब इसी कलेक्ट्रेट में मांगों को लेकर धरना देता था, तब मैं देखता था कि अधिवक्ता धूप ठंड बरसात में मेहनत से वादकारियों की समस्या के लिए टीन के नीचे कार्य करते थे। यहाँ पर हमेशा से अधिवक्ताओं के लिए नया चैम्बर बनाने की मांग हो रही थी। जब सरकार में आए तो इस चैम्बर का शिलान्यास हुआ था, अब बनकर तैयार हो गया है, जो कि महिला अधिवक्ता के लिए अलग व पुरुष अधिवक्ता के लिए अलग अलग चैम्बर बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से आधुनिक है। इसमें लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि न्याय पाना सभी का अधिकार है, इसलिए जो वादकारी आपके पास आते हैं वो पीड़ित होते हैं, वो जानते हैं कि हम किसी अधिवक्ता के पास जाएंगे तो वो हमको न्याय दिलाएंगे, इसलिए वादकारियों को न्याय दिलाने में सहयोग करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि न्याय मिलने में पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, इसको हम सबको मिलकर बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर कलेक्ट्रेट का नया भवन बनेगा, जहाँ पर सभी अधिकारी एक साथ एक छत के नीचे मिल जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं कागजों तक सीमित थी। वर्ष 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समय का कालचक्र कुछ ऐसा घूमा कि अभूतपूर्व विकास कार्यों ने नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पिछले 6 सालों में एम्स, खाद कारखाना, चीनी मिल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गुरु गोरक्षनाथ घाट, राम घाट, प्राणी उद्यान, सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, निवेश परियोजनाएं और ODOP जैसे अभिनव कार्यक्रम से गोरखपुर ने विकास की नई कहानी लिखी है। आज गोरखपुर देश में तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। आजादी के बाद पहली बार वनटांगिया, मुसहर और थारू समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। इन विकास कार्यों का पूरा श्रेय गोरखपुर की सम्मानित जनता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जो यह मानते हैं कि अगर जनता सही चुनती है तो सरकार एवं शिलान्यास करें, फेडरल फंडिंग के निश्चित करें, 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंगों का आयाम के साथ प्रतिफलित होते हुए चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम शिव स्वरूप उस सदगुरु को बार समझ में न्याय की व्यवस्था का बांटे। शौचालय नहीं था, लेडीज शौचालय नहीं था, ठीक से पुरुष का शौचालय बहुत ही जर्जर स्थिति में था। वो और चूंकि कलाकार की आंखें हैं, मैं तुरंत सारी चीजों को तुरंत देख लेता हूँ, तो बिक भी जाती है क्योंकि भी बड़ी स्थिति ठीक नहीं थी। पूज्य महाराज जी तक आप लोगों की बात पहुंची और महाराज जी ने ये सुंदर इमारत बनाया। अब हम LLB तो ना कह रहे हैं, लेकिन प्रयास करो महाराज जी से, हम कह रहे हैं कि महाराज जी अगर प्रैक्टिस हो तो इतना बढ़िया है, कमरा मिलत बा सबके, और शूटिंग में हम इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग के अंडर में प्रैक्टिस भी कर लूंगा वकालत की। और किसी फिल्म में चूंकि हमको कभी कभी डायलॉग बोलना भी पड़ता है, जैसे आप लोगों ने सनी देओल का सुना होगा, तारीफ तारीफ, वाला नहीं, लेकिन हम बड़ा अच्छा लगल, कमरा है, शौचालय है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, लिफ्ट बहुत सुंदर है, लिफ्ट से जाएंगे। और आप लोगों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत ही सुंदर, महाराज जी का जोर रहता है। कल हम लोग महाराज जी के साथ, कल महाराज जी ने कुछ 98 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुलाया था और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उस मंच पर था। तो कल बड़ी, मैंने उस पहलू को कभी देखा नहीं था, एक सांसद के रूप में या एक कलाकार के रूप में,
कि यहाँ पे सरकारी स्कूल की स्थितियां क्या है और कैसे बदलती जा रही है और महाराज जी कैसे डिटेल में 2.5 घंटा उन लोगों को सुनते रहे, उनके स्कूल के क्लासेस के बारे में 2000 स्टूडेंट है कहीं 300 स्टूडेंट है तो क्यों कम है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मत आप लोग की इमारत ठीक है कि नहीं, इमारत जर्जर तो नहीं है, आप लोग के पास स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन और करीबन 98 स्कूल के प्रधानाचार आए थे, ऑलमोस्ट मैं काउंट कर रहा था मन में कि 2 लाख बच्चे, 1.5 से 2 लाख बच्चे पढ़ने वाले थे और उकल तल सब बैठे हुए थे और उनकी डिटेलिंग को महाराज जी ने जैसे लिया, मेरे मन में भी भाव बहुत सारी चीजों का आया, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ और हम लोग पेड़ के नीचे आधी दूरी में स्कूल में पढ़े थे, जमीन पर बैठ के हम पढ़ते थे, तो हम वो सारी स्थितियों से गुजरे हैं, तो हमको पता है कि अब एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, ऐसे पूज्य महाराज जी की सोच के अधिवक्ता के लिए भी सोचते हैं, स्कूल के एजुकेशन के लिए भी सोचते हैं, इंसेफ्लाइटिस को खत्म करना कैसे उसके लिए भी सोचते हैं, कानून व्यवस्था बात रही हो, गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहां पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहां के लिए और कुछ करने की इच्छा होती है। आज जो चैंबर यहां पर बने हैं एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था, आज यहां पे एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पे प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होंगे एक भवन के नीचे, एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय गोरखपुर में अधिवक्ता संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और इस विषय में जहां पर भी कलेक्ट्रेट में हो या फिर जिला कोर्ट के, हम लोग हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि भाई अगर आप न्यायालय का भवन बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट का भवन बना रहे हैं, तहसील का भवन बना रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए भी स्पेस दीजिए और अच्छे चैंबर बने इसके लिए भी व्यवस्था दीजिए, क्योंकि हम अगर कोर्ट का भवन बना लेते हैं, हम लोग अगर कलेक्ट्रेट का भवन बना लेते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में जब कोर्ट लगती है उस कोर्ट में एक पीड़ित व्यक्ति की, एक वादकारी की बात को रखने वाला जो अधिवक्ता है, अगर वह सही स्थिति में नहीं रहेगा, उसको जो अभी यहां रवि किशन जी बोल रहे थे कि जिन स्थितियों में रहना होता था और हम लोग भी देखते थे अक्सर कैसी स्थिति रहती थी कि चैंबर में ही बैठ बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब चैंबर को देखता था वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था, चैंबर के अंदर से ही उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चैंबर नहीं बना पा रहे हैं क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे, एक प्रश्न खड़ा होता। लेकिन उस सबके बावजूद सर्दी गर्मी बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपनी बात काली के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसलिए सरकार की ओर से एक व्यवस्था कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यवस्था हो, चाहे उनके अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हो और चाहे चैंबर निर्माण की कार्रवाई, इस सब को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने हाईकोर्ट में आप गए होंगे,
हाईकोर्ट में हम लोग एक साथ 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर बना रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां पर बनता है बहुत बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग भी उसी में है और साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बन रहे हैं, उनके लिए वहां पे मेस भी बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट भी दिया जा रहा है, लाइब्रेरी भी दी जा रही है, सब कुछ वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बिल्डिंग के नीचे उनको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ये एक अच्छी सुविधा। अक्सर मैं इस बात को देखता हूं, हम बहुत अच्छा कलेक्ट्रेट भवन बना देते हैं, कोर्ट का भवन बहुत अच्छा, जिला कोर्ट का भवन बहुत अच्छा बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वास्तव में न्यायालय की गति को स्पीड अप करने के लिए जो सबसे बड़ा तंत्र है वह अधिवक्ताओं का है। उनके भी चैम्बर उसी तर्ज पर अच्छे बनने चाहिए, सुविधा से युक्त बनने चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर गुंडागिरी और अपराध को प्रश्रय देते थे, अराजकता को बढ़ावा देते थे, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। आज प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से आप भी देख रहे हैं, कोई दंगा नहीं, बड़े बड़े पर्वों के भाव संपन्न हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लोगों ने घुसा दिए। यह समय इस क्षेत्र में भय और कसरत का होता था, इनसे प्रैक्टिस का है, पता नहीं कौन मासूम कब इस बीमारी की चपेट में आ जाए। और मैं तो बोलता हूं 40 वर्ष में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 50,000 बच्चों को इनसे प्रैक्टिस की भेंट जाते हुए देखा है, 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए थे। और भाइयों बहनों, आज इनसे प्रैक्टिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज जब इनसे प्रैक्टिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त होती है तो मुझे संतुष्टि होती है इस बात की कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर के कलेक्ट्रेट तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नरी तक जो हम पद यात्रा निकालते थे, आज वो सार्थक हुई, वो साधना सिद्धि में बदली है। यही है साधना का सिद्धि में बदलना। इस बीमारी के समाधान उन्मूलन करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई और इसमें हर एक व्यक्ति का जो भी उस समय विभिन्न संगठन, अधिवक्ता संगठन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे, तमाम स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग भी थे, सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ता थे, आम नागरिक भी था, वो सड़कों में हमारे साथ पैदल चल करके इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। आज भाइयों बहनों आप देख सकते हैं, आज गोरखपुर की सड़कों को देख सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, बदलता हुआ गोरखपुर, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक नए भारत का, एक व्यक्ति समय से और सस्ता न्याय प्राप्त कर, बार बार उसे तहसील में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरी में, कोर्ट में बार बार आना पड़े। इस समय बहुत तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उन सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो सदैव एक सकारात्मक पहल के साथ गोरखपुर के विकास में योगदान देते रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां पर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन से जुड़े हुए, अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो मांग थी उनकी आज मांग यहां पर पूरी हुई है और जो शेष है वह कलेक्ट्रेट भवन के साथ ही आगे बढ़ करके यहां के बहुत अच्छी सुविधा यहां से युक्त हम लोग यहां पर न केवल कलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, बल्कि
यहाँ पे रिवर्सा चैम्बर जो बाकी होंगे उसको भी उसके साथ जोड़ करके यहाँ की लाइब्रेरी को भी और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे, जिससे गोरखपुर के आने वाले हर व्यक्ति को या गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को न्याय केवल बोलने की बात नहीं बल्कि उसका एहसास और कर भी सके और एक पीड़ित को न्याय भी दे सके, इस बात का एक आश्वासन हम इस अवसर पर देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे देवकोटा समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपके हितों को पूरी तरह संरक्षण देती है, आपके हितों को संरक्षित करते हुए प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है और इस दृष्टि से